रूट्स आवाज पंजाब दी। दिल तेरे ना तू भी कर हाँ लो दुनिया उत्ते बहुत अच्छा लपड़ी नहीं तेरे जी चीज सौ तेरी खामात रख के कुरान ते रब्बा बिछड़ जावी कद यार तेरा चल रहा साडा सैमीफाइनल दा एपीसोड और साडे कोल ने पांच कंटेस्टेंट्स पूरी तैयारी करके वो इत्थे तक पहुंचे ने और इन्हां विचों कौन अगे पहुंचेगा फाइनल तक वो देखना हजे बाकी है। हुण वारी है जी साडे अगले कंटेस्टेंट नूं बुलाउण दी। एक बार जोरदार तालियां साडे सोहणे उच्चे लंबे हैंडसम मुंडे वास्ते। ऑलरेडी एक गाणा कमिट कर चुके ने इन्हां दे नाल साडे जज साहिबान दीप जी, याद है तुहानूं? मैं सैमीफाइनल च पहुंच चुका। बहुत खुशी हो रही है, बट मैं यही उम्मीद करता कि मैं अगे तक जावा, फाइनल तक जावा, विनर बना थोड़े सारियां लई। बाकी थोड़े सारे दुआवां, बाबा जी का आशीर्वाद। सुबह सुबह रियाज मेरे पापा ने आना तो उदू बाद मैं आके कहना सुबह सुबह उठ के 4 बजे कि वो तो तू जरूर एक ना एक दिन कुछ बनेगा। अज जो इस दुनिया च नहीं है, बट मैं चाहना कि उन्होंने सपना पूरा हो। उपरों बैठे मैनू दुआवां देन। सारी मेरी फैमिली मैनू बहुत सपोर्ट कर रही है। इवन कि मेरी दादी जी मैनू हमेशा कहते होंगे कि तू जा, मैनू बहुत उन्होंने सपोर्ट किया। तो सारे मैनू चाहते सी, मेरे दोस्त, मेरे इवन कि मेरे चाचा चाची, मेरे मासियाँ, सारे ये चीज़ भालदे आ कि तू अगे कुछ जावे, तू अगे कुछ करें। तो फाइनली अज ये मौका मिलया मैनू, तो मैं उन्होंने कदे भी निराश नहीं करूँ। मेरा जिथे तक होया कि मैं एंड तक जावा तो विनर बना, तो थोड़ी सारे की उम्मीदा तो खरा उतरा, तो विनर बन के आवा, तो वधिया खुशियां का माहौल लैके आवा। धन्यवाद। मैं मेरे मन च एक सवाल है मैम, ऐश पूरा नाम ऐश है कि? मेरा वैसे नाम आकाशप्रीत सिंह है। आकाशप्रीत सिंह ये अपना ऐश आप ही डिसाइड कर लिया कि वैसे देता किसी ने मतलब ऐश तुम्हारी एज कितनी है? 26। ओके, क्योंकि मैम जिद्दां मैनूं लगदा जुगनी थोड़ा असली नाम है जुगनी कि वैसे ओहदा भी नाम चेंज है? आर्टिस्ट बन गए ने इन्हां ने अपने अपने आर्टिस्ट नाम हुणे हुणे सैट कर ले ने। हां जी ऐश, किवें हो? बहुत पहुंच गए हैं सेमीफाइनल्स, पहुंच गए फाइनल लाइन तो आपा सिर्फ एक कदम दूर हां। की लग रहा है, किवें दा रहा सफर है? औखा सीगा, काफी उतरा चढ़ा है। कोई मेमोरी, कोई याद, कोई सब तो पक्का हाड़ी इना चो चला गया के हैगा? वैसे तो सारी बढ़िया सी, सारी इंटरव्यू ले पूरे तैयार ने सारे, वैसे तो सब अच्छा बढ़िया चल रहा है। सारी यार दोस्त सारी बढ़िया सी, सारे नाल मेरी बहुत बनदी है। हां, ते बाकी हरमन मेरा भरा, सारे इनफैक्ट गुरसेवक, वर्षा, सारे बहुत खप पाते हैं कि असं सारे रात को इकट्ठे होकर कमरे च रात वधिया लगा। नहीं पता चले क्यों खराब होंगे जी, मैं यही महफिल लगती है। नहीं, महफिल नहीं, एक रियाज करते हैं सारे इकट्ठे असं बस, ते वो गाने की प्रैक्टिस होंगी बस थोड़ा बहुत। पता है कभी कभी मैं बहुत लोगों मैं थोड़ी जी जैलसी होंगी है, ये सब चीज़ा मैं नहीं कीतियाँ। साढ़े टाइम तो यह सब नहीं सी, तुहानू सारयां नू देख के मैनू खुशी भी आती है तो थोड़ी थोड़ी जलन भी आती है, पर दिल करता दोबारा फिर मैं छोटी हो जावां। तो तुसी जो कीता वो किसी ने भी नहीं कीता। एक बार जोरदार तालियां मैम वास्ते। ये गले तां ही बैंदे ने हना कि नहीं? नहीं नहीं, बस कोई कोई मेमोरेबल परफॉर्मेंस याद है इस सफर की हुण तक की, सब तो ज्यादा थोनू लगा हो मेरी हुण तक की बेस्ट सी, मेरी हुण तक की वर्स्ट सी?
या उन्हां दे नाल एक कोई कोई मेमोरेबल चीज़ याद रह जाती है कदे कदे कि मैंने जदों बिट्टी मैम ने आह गल कही सी ना उदों मैनूं लगा सी कि हाँ मेरी मेहनत जिहड़ी है सही राह जा रही है, जां मैनूं मैम ने जदों कुछ इदां दा कहता सी तां लगा सी कि नहीं होर लोड़ है। सारियां ही मैमरीज़ मेरे लिए बहुत मैटर करदियां ने, सारा कुछ मेरे लिए बहुत मैटर करदा, बट एक बारी वाली परफॉर्मेंस आई सी, बारी सोंग आया सी, ते उह च मैनूं बहुत खुशी हुई सी। I have no words to say. बहुत सोहना गाया। वही चीज़ मैं अज भी याद करता कि वह सब तो बेस्ट दिन सी मेरा, जो इन्होंने मैनू इन्ने वधिया कमेंट्स ते इन्होंने वधिया मैनू कहा, ते वैसे भी वधिया कहिंदे ने, बट मेरे लिए वह बहुत खुशी वाला दिन सीगा। ठीक है, फैमिली नू मिस करदे हो इत्थे जदों? काफ़ी टाइम हो गया हुण। हाँ जी, हाँ जी भाजी, करदे हाँ। करदे हो, गल हुंदी है घरे? बिल्कुल, घर फीडबैक दिने उन्हें शाम को भी अज ऐ हो गया तो इदा हो गया? फीडबैक तो नहीं, बस कह सकते कि हाँ वधिया। वो पुछते होंगे, हर माँ प्यो पुछते होंगे पुत तेरी परफॉर्मेंस किदा हुई तो इदा, बस कदे दिन हुंदा कदे नहीं हुंदा, पर सारा कुछ दसना पैंदा, सच दसना पैंदा उन्होंने भी। बस आशीर्वाद देंदे कि कोई नहीं, आशीर्वाद नाल है, बाबा नाल है, वधिया कर। चलो, ऑल द बेस्ट। अज किहड़ा साज़ तुसीं किदे नाल परफॉर्म करोगे? कीबोर्ड, कॉर्ड्स नाल। हुण दसो एक फेवरेट जज, सुप्रीम कोर्ट का कह दे कोई इधर तक। ये सच्ची गल है कि सारी फेवरेट ने, सारी ही फेवरेट ने। डिप्लोमेटिक आंसर ने ना इदां दे सवालों के जवाब वास्ते साम के रखने होंदे है। तुसी ब्रह्मास्त्र उत्थे चला दंदे हो पहले ही? नहीं नहीं नहीं, मेरे सारे मेरे लिए मेरे फेवरेट ही नेगे। जसविंदर मैम तो चलो ये तो लैजेंड लोग ने, तो इन्हों तो जिन्ने वर्ड्स को उन्ने घट ने। बिट्टी मैम जिन्ने वर्ड्स को सानू एक दसो, सानू जिन्होंने चेक देना वो कहिंदे एक पुछो। मेरे फेवरेट हैरी भाजी ने, हैरी भाई मैनू बहुत क्यूट लगते हैं, बहुत वधिया वाइब आती है उन्होंने तो। भाजी देखो ये पता क्यों है, वैसे भी फेवरेट हो, मैं लगता थोड़ी ड्रेसिंग सेंस भी कितना कहते ना ऑलमोस्ट नेड़े होंगी एक दूजे के, उस करके भी है। थैंक यू वेरी मच, ये मेरे भी फेवरेट ने। थैंक यू, मैं इन्हों का आंसर एक राइट आंसर सी, बिकॉज मैं इन्हों का फेवरेट, मेरे ए फेवरेट, ये तीनों मेरे अंदर वसते ने, तीनों ही इन्हों के हो गए। मेरे मेरे पता फेवरेट जज कि ने, गैस करो। जसपिंदर मैम। कहते जसपिंदर मैम, वो तो माता साड़ी। मेरे फेवरेट जज साहबान वो ने जो कुकी भाजी, क्योंकि मैं तो उन्होंने अगे परफॉर्म करता रहा ना, इस कारण कुकी मेरा भी बहुत फेवरेट है। कुकी भाई तुसी जिथे भी हो, वी लव यू। हाँ, वी लव यू कुकी। हाँ जी राजे, मैं भी तुहानू बहुत प्यार करदा हां, तरक्कियां करो, बहुत खुश रहो हमेशा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जा thank you।
बहुत ही प्यारी शायरी। मैंने दिया दो लाइन आगे भी ने ना कि मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है जमाना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूं। क्या बात है उस्ताद लोकां दा गाना जी, एक बार जोरदार तालियां सज्जाद अली जी वास्ते भी। ए गाना मैं कॉलेज टाइम ते सुनिया सी, तुसी लोगों ने ते हुन सुनिया, कम से कम 30-35 सालां दी गल होनी है, ज्यादा भी हो सकदी है। मैं बहुत पसंद आई सी, उस वेले तो रेडियो ही होंदे सी और कैसेट्स होंदियां सन। सेकंड अंतरा जिहड़ा तुसी गाया की गाया सी, वर्ड्स की सीगे? चुपके चुपचाप, चुपचाप सही, मसले हतन वक्त के हवाले, वक्त के हाथों, वक्त के हाथों, वक्त के हाथों, चुपचाप सही, मसले हतन वक्त के हाथों, आगे मजबूर सही, वक्त से हारा, वक्त तो नहीं से हारा तो नहीं, वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। बहुत अच्छी गजल है, बहुत खूबसूरत गजल और कंपोज्ड भी बहुत अच्छी है, वेरी गुड, अच्छी निभाई। थैंक यू मैम। बिटी जी बहुत ही सुकून मिलिया, इतना अच्छा और बहुत अगे मैं तुहानू देख रही हूँ कि मैं तो कल भी तुहानू इशारा दिता सी कि वो फीलिंग्स मैनू आई हैं तो तुसीं उत्थे तक जाओ और दुनिया सुकून लवे, तुहानू अच्छे अच्छे जिहड़े बच्चे साडे आ रहे अगे, इन्ना अच्छा तुसीं गाना लभना फिर उन्हों तैयार करना, ये भी कोई सौखी गल नहीं हैगी कि अच्छे गाने जिहड़ा मैं पहली बार सुनिया, मैं नहीं इहनू सुनिया सी, सो बहुत ही मैनू अच्छा लग्या। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। हैरी सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स और बहुत ही ब्यूटीफुली गाया, सोलफुली गाया, बड़ा दिल नाल गाया और आई कुड कनेक्ट। और थैंक यू सर, थैंक यू सर, जिस तरीके नाल रखिया और इत्मीनान दे नाल एकदम सुकून दे अंदर जो गाया, सो इट वॉज वेरी वेरी गुड एंड आई कैन सी हुन बलराज ने कहना सारे नु स्टार आखी जांदे है, नहीं नहीं भाई, अरे हुन स्टार ही ने आके, ये सारे स्टार ही ने जेडे मंच ते आ गए ने, जिन्ना दे सामने परफॉर्म कर लिया जी, इस तो बाद ते हुन अगे बिल्कुल दीदी दे मुंह हुन निकलिया कि सुकून ने गाया वधिया, तो एवें नहीं निकलिया, यू नो शी इज ब्लंट ऑन फेस एंड पैकेज है गया, पर्सनैलिटी अच्छी है, गांदे अच्छा ने, सोने सुनखे है, है ना, ते स्टार मटीरियल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, गॉड ब्लेस। मैम तुसी अपने आप दे विच एक पूरा अपने आप च एक स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, बिट्टी मैम लेजेंड ने और हैरी भाजी अज दी जनरेशन दे तुसी बहुत वड्डे स्टार हो भाजी मॉडर्न म्यूजिक दे, इन्हां तिन्हां वास्ते एक बार जोरदार तालियां होनियां चाहीदियां और ये बहुत औखा काम है जो ये करदे पए ने, इट्स बियॉन्ड एनी क्रैडिट, तो वी लव यू मैम, तुहानू तिन्हां नू साडे वल्लों बहुत सारा प्यार है, असीं करदे वी हां जी, तो तेनू तो बहुत तारीफा मिल गई एंड आई थिंक यही साडे शो की खासियत है, ये नहीं है कि आओ परफॉर्म करो,
ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੇਧ ਸਿੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਚਲੀਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਸ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਐਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਪਰਫਾਰਮਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਵਰਸ਼ਾ। ਆਓ ਵਰਸ਼ਾ ਜੀ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੰਮੂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਰਸ਼ਾ ਜੰਵਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਨਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਵਰਸ਼ਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ? ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ? ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲਾਈਵ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਡੀਅੰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ! ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟਸ ਆਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਹਸਮੁਖਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਹਰਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਨਾਲ ਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਬਸ ਨੋਰਮਲ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਨਾਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਜੂ ਨਾਲ, ਅਭੀ ਸਹੋਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਭੀ ਸਹੋਤਾ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਡਾਂਟ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ, ਹਨਾ, ਝਿੜਕ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਈਦਾ ਮਤਲਬ ਗਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਵੀ ਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਰਵਸ ਹੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਮੈਮ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਬੀਤੀ ਚੰਗੀ ਬੀਤੀ ਗਾਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਓਗੇ? ਕਿਸ ਮੈਮ? ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਜੀ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਹਾਏ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਖਤਮ। ਚੰਗੀ ਬੀਤੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੀਂ।
दस कि वे मैं कट देवा इस दिल चो ख्याल तेरा कोशिश करके वेखांगे हाय कोशिश करके वेखांगे तू चेतना आवी जिन्नी बीती चंगी बीती तू मैनू भुल जावी हाय जिन्नी बीती चंगी बीती तू मैनू भुल जावी थैंक यू हैरी सर किदा ओरिजिनल है गाय गाना माशाल्लाह जी दा अच्छा बहुत अच्छा गाना है और अच्छा गाया तुसी वेरी नाइस आई लव योर वॉइस कीप इट अप हुन तुसी सेमी फिनाले पहुंच गए बस थोड़े जे कदम बाकी ने आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर थैंक यू बिट्टी मैम वर्षा बहुत प्यारा तुसी गाने हो और इतनी फीलिंग है थोड़ी आज सो मैं दिलों अरदास कर दिया कि थोड़े सारे सपने पूरे होन बहुत अच्छा गाओ तरक्कियां करो और मैंने पता है तुसी माता रानी दे भगतों और अपनी माँ नू बहुत प्यार करते हो और अपनी माँ दे सारे सपने तुसी पूरे करो मेरी दुआवां ने बहुत अच्छा तुसी गा रहे हो ऑल द बेस्ट थैंक यू मैम थैंक यू जसविंदर मैम बस ऑल द बेस्ट थैंक यू मैम अच्छा गाया और आवाज़ तो तेरी मैनू हमेशा ही अच्छी लगती है और बहुत फील नाल गाया सब तो अच्छी गल है कि गायकी बहुत ज़्यादा नहीं पर फील होए ना गाने विच गायकी दी लोड़ नहीं हुंदी फील होना चाहिदा से बड़े फील नाल ने गाया बहुत अच्छा सी थैंक यू मैम थैंक यू मैम थैंक यू वर्षा ऑल द बेस्ट म्यूजिक कितना चेंज हो गया ना मैम देखो पहला दे गीतां दे विच गल हुंदी सी कि जदों ब्रेकअप हुंदा सी जिन्नी बीती चंगी बीती हुण ब्रेकअप तो बाद मुंडे गाना गाते कि दिल तोड़न वाली है तेनू जेल हो जाए नहीं तू आने वाले पेपर च फेल हो जाए ये गाना है जी मेरे बहुत ही प्यारे मित्र ने बहुत बहुत वधिया जो मुझे छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे हाँ बदल गया है ना समा रिवेंजफुल रिबेलियस हो गया नहीं हो सकता वो कोई अमीर मुंडा होवे ते कह रहे होवे हुण आपां बुलावांगे जी अपने अगले परफॉर्मर नू आ जी शरारती शरारती ने आना है साढ़े शो दा एक गुरसेवक जी आओ फिर एक बार जोरदार ताड़ियां गुरसेवक वास्ते हाँ जी सत श्री अकाल जी मैं हाँ तुहाडा अपना गुरसेवक सिंह ते मैं पहुँच गया जी सैमी फाइनल च टॉप फाइव च थोड़ा डर भी लग रहा है अपने आप नूं नर्वस फील कर रहा हाँ ते बाकी मैं अपने आप नूं विनर भी देख रहा जे समझो मैं मतलब विनर नहीं बनता तो मैं ये चाहना कि वर्षा विनर बने ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਮ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੈਸੇ ਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਉਧਰੋਂ ਹਨਾ ਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੇਗਾ ਹਸਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਕੀਮੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਗਾਣਾ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਰ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਚੌਂਕੜ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕਵਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਐਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਖੱਪੀ ਪੂਰਾ ਭਾਜੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਖੱਪੀ ਹਾਂ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਖਾਇਆ ਕਰ ਘੱਟ ਖਾਇਆ ਕਰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਕ ਹੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਸ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਜੁਗਨੀ ਜੁਗਨੀ ਦੀਦੀ ਮੈਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਟੱਕ ਭਰਾ ਕੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਥੋੜੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਰ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਜੇ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਖੀਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਾਮ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਮ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਖੀਰ 'ਚ ਵੱਧ ਬਦਾਮ ਕਿਉਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਮੀ ਹੋਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋ
अंब की गुठली की सब्जी बनती होंगी जी पहला अंबिया की तो वो जे सानू ग्रेवी मिलनी तो गुठली नहीं मिलनी लड़ पैना भैन भरावान ने क्यों मैं गुठली चूसनी है ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਗਾ ਸੋਨਾ ਗਾਉਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾ ਬਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਕੀਮੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਹਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਸੀਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਐਂ ਜੇ ਕਹਿ ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਐ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਐ ਠੀਕ ਐ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਬਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜੁਗਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਦੀਦੀ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਸੁਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਬੇਸੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਮੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਫੀ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਮਤੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕੀਬੋਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੈ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰ ਬਗੈਰ ਗਾਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਗੁਰਸੇਵਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੂੰ ਜਹਰਿਆ
पता पता तेरी कुदरत का पता देता है। अल्लाह मोहम्मद चार यार, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार, ए हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। कर कर बिरदे ना दालोगी, कर कर बिरदे ना दालोगी, जन्नत लांदे रहन गरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मोहम्मद चार यार। मेरा फेवरेट राग है यार, मैं जिस वेले जागरण करती सी बहुत ज़्यादा होंदा सी, ते सवेर दा टाइम जद होंदा सी ना अर्ली मॉर्निंग, ते फिर जेड़ी भी मैं भेट गा रही होंदी सी, फिर मैं ये राग जरूर छेड़ती सी। मेरे को रहा नहीं जाता जब ऐसे कोई राग दे जब छिड़ते नहीं ना सुरा, तो फिर इवें लगता जिदा रब सामने खड़ा, तो हूँ रहा नहीं जाता, फिर वो अपने आप ही आ जाता। और ये बच्चा जड़ा है ना, ये तो कुछ अलग ही कुछ लैके आया अपने नाल, कोई बख्शिश। सो फिर इदा तार छेड़ दिंदा, ये शरारत कर दिंदा। बहुत अच्छा गाया बिट्टी मैम, की कहना चाहोगे जी? बस जी आनंद ले रहे हैं, कितना अच्छा टाइम चल रहा है, कितना अच्छा सुन रहे हैं बैठे, और आनंद च जीवन। गुरु नानक पातशाह ने कहा ना भी म्यूजिक ना तो रब नाल बंदा जुड़ जाता है, गा गा के गाना जिन्हों मिल गया तो उन्हों रब मिल गया, तो इन्ना अच्छा असं सुन रहे हैं। गॉड ब्लैस यू बेटा, बहुत तरक्की करो, बहुत तरक्की करो। थैंक यू मैम, थैंक यू। हैरी भाजी गुरसेवक रब के दर्शन करा दिते है ना, इन्नी बेहतरीन इन्नी वधिया गायकी, उत्ते दी माहौल अपने आवाज़ और सुरा नाल दोनों नाल कमाल है यार। गॉड ब्लेस, थैंक यू सर। बहुत दिल खुश होंदा व्हेन एवर यू कम यू सिंग, यू मेक मी हैप्पी। थैंक यू जी। ओ देखो वर्षा रोन लग गई है, वर्षा भी बैठी हुई है, उहदे आंसू निकल रहे हैं। सो विद योर इमोशंस तुहाडी गायकी दे नाल देखो अखां भी नम हो रही नाल नाल, अज माहौल बड़ा वधिया सैमीफिनाले का।
सेमीफाइनल का यकीनन माहौल और उस्तादों तो शुरू होया ना अज उस्तादों तो शुरू होया जी हाँ, बिल्कुल नींव सही रखी गई है हाँ तो माहौल नींव सही रखी गई है और माहौल अच्छा जी गुरप्रीत घोगी जी तारीफ करते थे किवें करते ए बड़ा शरारती है मुंडा ए सलीम वर्गा ही गाँव तो मड़ मड़ जी खान वर्गा बहुत वधिया गाया और इमोशनल ही हो गए सारे जने पर इत्थे मैम इत्थे ना कि अंदर दी इच्छा ये राग जड़ा है ना ये वैराग्य देंदा है इहदे सुरी ऐसे ने हाले ते मैं जिस शुरू कीता सी हाले इहदे अगे जड़ा बदलाव आंदा है जड़ा जिथे नज़र आंदी इहदी शकल नज़र आंदी है ओ जद खुलदा है ना आहा फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਜੋ ਆਂਖ ਤੋ ਫੁੱਲੀ ਜੋ ਆਂਖ ਤੋ ਵੋ ਥਾ ਨਾ ਵੋ ਜ਼ਮਾਨਾ ਥਾ ਖੁੱਲੀ ਜੋ ਆਂਖ ਤੋ ਵੋ बच्चे नू देख के कोई नहीं कह सकदा इन्हें इतना सोना तलफुज एवरीथिंग और जिस तरह ने भी गाया इन्हें भी हुई खुब के उन्हें अल्फाज पावे जो भी कह रहा सीगा परमात्मा लेकिन उदे विच सच सी थैंक यू गुरसेवक थैंक यू सो मच यार थैंक यू एक बार जोरदार तालियां गुरसेवक वास्ते सुभाष दियां सारियां परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई जी तुहानू लग रहा है कि तुसी पंजे कॉम्पीटिशन चो और तुहाडे चो कोई एक बनेगा आवाज पंजाब दी पर इन्ना सौखा थोड़ी है टाइटल जितना मैम है ना आवाज़ पंजाब की बनना है तो पूरी दुनिया से फैलना है पूरी दुनिया के उत्ते झंडा कढ़ना है साडे जज साहबान ने तुहाडा काम होर औखा करता हर वारी वह बेचारे औखे होंगे ने एपीसोड के एंड दे विच उन्होंने तुहाडा काम औखा करता कॉम्पीटिशन होर टफ करता एक स्पैशल वाइल्ड कार्ड एंट्री आ रही है साडे इस शो दे विच जेडे कि इस शो चो एलीमीनेट हो गए सी पर गल उही है कि टैलेंट की भरमार है मैम टैलेंट भरिया पिया बट ऑफ डे होन करके शायद तबीयत खराब होन करके ठंड लगन करके सुर नहीं लग्या तो जज साहबान ने फैसला किया जी एक मौका उस कंटेस्टेंट नू दोबारा देन दा जो कि उन्होंने अकॉर्डिंगली बहुत प्रोमिसिंग है और तुहाडे लई काम होर औखा हो गया जी पांच दे तुसी हुण फिर छे हो जाने हैं बुलाइए सरप्राइज खोल दिए एक बार जोरदार तालियां साडी स्पैशल वाइल्ड कार्ड एंट्री वास्ते अनु राणा जी लई जोरदार तालियां आओ जी अनु जी जिंदगी का पता नहीं बट इस मंच से मौका दूजा मिलया खैर जिंदगी भी बहुत मौके मिलते ने इनू कहंदे ने किस्मत एदा लिखिया होया हले भी सो इस करके क्यों लग रहा है कि तुहानू दोबारा दूसरा मौका मिलया बहुत बहुत चंगा लग रहा मैनू मैम ने जो गल कही सी ना पिछली बार की किस्मत है जे गला तेरा बंद है तो चल भी सकता है जे मतलब चलता है तो बंद भी हो सकता है लाइक तो मैं बड़ी खुश है मैं मौका मिले दोबारा तुम खुशी हुई है कि टेंशन बढ़ गई है क्या बात है वेरी गुड स्पिरिट है यार मौका मिले दोबारा जी सो जड़ा कहते ना कमबैक इज ऑलवेज मोर डिफिकल्ट है ना तुसी दोबारा हुन उन्होंने तुहाडे ते भरोसा जताया ते तुसी उस भरोसे ते खरे उतरना कोशिश मेरी पूरी रहेगी पूरी मैं अपने दिल तो दिमाग तो अपनी गले च कोशिश पूरी करांगी कि मैं वो निभा सका
ऑल द बेस्ट साडे वल्लों एक बार जोरदार तालियां नूं वास्ते अच्छा गाया है और किस्मत इन्हां दे नाल है जिहड़े कि दोबारा मौका मिलिया है परमात्मा वल्लों और इस मौके नूं वधिया तरीके नाल तुसीं होर कोशिश करके क्योंकि कंपीटीशन हुण पूरा सख्त है पूरे जिहड़े चुण चुण के मतलब दीदी दी इन्ना आपां सारे इन्हां कोल बह के सिख रहे हाँ और सारियां गल्लां हुण फाइनल स्टेज ते आपां पहुँच चुके हाँ
ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਸ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੋ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਗਾਓ ਗਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਹੈਰੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰ ਗਏ ਹੋਏ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੇ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਲੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਲੇ ਦਾ ਐਕਚੁਲੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਬਟ ਆਈ ਸੈਲਿਊਟ ਯੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਔਰ ਕਰਨ ਆਇਓ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਗੁੱਡ ਵੋਇਸ ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੋ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਗਾਉਂਦੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਹਿਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਪੌਪ ਆਊਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸੋ ਵੈਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਅਟੈਕਿੰਗ ਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਫ ਹੈਗਾ ਫ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਲੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਹ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਟਿਪਸ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਟਿਪਸ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਬਸ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਰਿਆਜ਼ ਕਰੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਅਨੂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਰਫੋਰਮਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੁਗਨੀ ਜਾਏਗੀ ਘਰ ਅੱਜ ਜੁਗਨੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੁਗਨੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ ਘਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਈ ਨੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ 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 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੋ ਐਵੇਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜੱਜ ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜੁਗਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ
मैनू भी याद रहा है, ऐसी गल नहीं है। मैं थोड़ी सारिया की आवाज़ा जिदी जिदी है मैं सब याद है मैनू। और जोड़े पहले भी बच्चे कभी आए थे उन्होंने भावें नाम मैं भुल गई होव, किसी की शक्ल किसी का नाम मैं याद कुछ ना कुछ तो याद ही है मैं उन्होंने। सो सॉरी हाँ बेटा, पर अज जरा सफ़र थोड़ा इतने ख़त्म होंगे और थोड़ा दूजा सफ़र हूँ शुरू हो गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और हंसते हुए जाना है ना, और मैं ये दिखाना है करके कि देखो मैम तुसी क्या सी, देखो मैं कीता। ठीक है जी मैम, बिल्कुल जिंदगी च होर अच्छा वधिया करना। ठीक है बेटा, गुड लक। थैंक यू मैम, थैंक यू बेटी मैम। जुगनी का सफ़र, जुगनी का सफ़र आज इतने खत्म हो रहा है। मैंने तुसी बहुत प्यारे लगते हो और थोड़ी वॉइस क्वालिटी नो मैं पर्सनली बहुत लाइक कर दी हूँ, पर ठीक है एक प्रोग्राम का सिस्टम है भी वो हूँ हौली हौली आप फाइनल स्टेज पर पहुँच रहे हैं, तो घबराना नहीं है, कोई ऐसी गल नहीं, हर वेले एक नवा सफ़र शुरू होंदा तो पुराना खत्म होंदा बेटा, तो ये कोई बड़िया गल्ला नहीं, पर जिन्ना भी तुसी गाया पूरी दुनिया च लोगों ने तुम सुनिया देखिया कि बेटा, और होर अगे वधो, मेरिया दुआवां है तुहाडे लई आशीर्वाद है, क्योंकि बहुत खूबसूरत हो तुसी, तुहाडे तुहाडी परसनैलिटी बहुत अच्छी है, गायकी अच्छी है, समझ है, तो बस नेड़े ही है कम, कोई बहुत दूर नहीं है। कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। तुहाडा प्रॉमिसिंग करियर है बहुत, और गाओ स्टेजेस ते गाओ, लाइव शोज करो, यू कैन चूज योर सेल्फ इन दिस प्रोफेशन, तुसी एक सिंगर बनने के काबिल हो, फॉर स्टेज शोज, फॉर प्लेबैक सिंगिंग, सो जिन्नी भी हो सकता है अपनी मेहनत करो, यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। बाकी नाल नाल बैकअप सब चीज़ों के बीच जरूरी होंगे, हर एक प्रोफेशन के अंदर एक बैकअप जरूर होना चाहिए, वो बैकअप जरूर रखो, बट यस आई सी यू एज अ सिंगर, आई सी यू एज अ परफॉर्मर, और बहुत ही प्यारी आवाज़ है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, है ना, जितनी निराश नहीं होना, है ना, एज दे सेड इट्स अ फॉर्मेट, ऑल द बेस्ट टू यू। बिल्कुल, ये हार नहीं है, ये जीत की तैयारी का एक होर मौका है थोड़े वास्ते। और कुछ कहना चाहते हो अपने मित्रों नू, थोड़े इन्ने प्यारे कलीग्स ने, दोस्त ने, सहेलियां ने, साडे जट सवान ने, किसी नू कुछ कहना चाहते हो, मन दे विच कोई गल है? ओरे ओरे ओरे, घबराना नहीं हैगा बेटा, ये तो एक एपीसोड रह गया, आप सारे ने घर जाना है, तो इन्ना अच्छा तुसी इत्थे गाया है और किन्निया चीज़ा अपन दीदी सिखा रहे ने, सो बी ब्रेव, बेटियां तो वैसे ही इन्ना ब्रेव होना चाहिए, पता नहीं आप जीवन चले बहुत कुछ, बड़ा कुछ जीवन चाहना है, यही हकीकत है, तो बेटा चढ़ती कला च रही है, पंजाबी है ना जो चढ़ती कला च रेंगे, ऑल दी बेस्ट, कीप इट अप, रोना नहीं है बिल्कुल, जिंदगी च कदे रोना। पर यह लग नहीं रहा कि तुसी कदे सिखिया नहीं, मैं दीदी नूं अक्सर हुण असीं जदों कट्ठे रहे आ, मैं इन्हां नूं रिक्वेस्ट कीती है कि दीदी तुसी लक्की सी कि तुहाडे माता पिता ही घर च एडे वड्डे गुरु सीगे तुहानूं मिले, और सारे बंदे इन्ने लक्की नहीं हुंदे कि घर च, क्योंकि साडा फील्ड कुड़ियां लई भी बड़ियां चुनौतियां ने, चंगे लोग मिलना जिथे असीं बेखौफ होकर जा सकीए, सीख सकीए, तो दीदी ने रिक्वेस्ट की है कि तुसी चंडीगढ़ च वर्कशॉप लाओ, और ता कि सारे बच्चे उत्थे तुहाडे कोल अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस लैके सीखन, और उन्होंने अच्छा माहौल मिले। मेरी अकैडमी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है जी, सिर्फ उसके बारे दसो, हाँ मेरी मेरी हाले ऑनलाइन ही असी यो कीती है, पर इसनों असी वड्डे तरीके नाल, और मेरा भी यो ही मन च है विचार कि मैं चंडीगढ़ ही जी बनानी है, और उदे विच जड़े भी बच्चे आना चाहणगे जड़े नहीं अफोर्ड कर सकते उन्हां नूं हाँ जी फ्री ऑफ कास्ट करांगे, जड़े अफोर्ड कर सकते ने हाँ जी, और जो भी उत्थे रेमुनरेशन आएगी हाँ जी वो मेरी एनजीओ विच जाएगी, सो मैं बुजुर्गों वास्ते और बच्चों वास्ते और वो लड़कियों वास्ते जड़ियाँ
जिन्हां दे मां प्यो उन्हां नूं मतलब उन्हां दा विआह नहीं कर सकते सो मैं ये सब जिहड़ा है ये पूरा प्लानिंग चल रहा है सो बस ऐ वे कि इंप्लीमेंट उन्हें करना है हुण कद करना है कद होएगा ये वो जानता है सो ये हुण शुरुआत तुसीं बोलिया तो मैं अज बोल दिता नहीं तो मैं कितने बोलती भी नहीं बहुत अच्छी गल है दीदी लोड़ है क्योंकि मैं खुद भी इस मंच तो कहना चाहूँगी जिथे भी मेरी आवाज़ आ रही है सारिया बच्चियों खास तौर पर क्योंकि माहौल अच्छा मिलना एक लड़कियां ले जिथे सीख सकन और साडा बड़ा तजर्बा रहा मैं तो इन्होंने जूडो कराटे भी सिखवा देने ने कुड़ियां बिल्कुल बिल्कुल जूडो कराटे भी जरूरी है बिल्कुल और जूडो कराटे गाना भी जरूरी है जिंदगी के तजर्बे ने जो साडे कोले ने और मैं भी इस मंच तो कहना चाहूँगी कि मेरी जिंदगी भी बड़ा कुछ है जो मैं अपने बच्चों लिए कर रही हाँ ऑलरेडी कर रही हाँ तो 100 कुड़ी अच्छ हॉकी खेल रही है मुंडिया साढ़े पिंड है मेरे पिंड दे नाल क्योंकि मैं नाल हॉकी भी नैशनल लैवल खेडी सी जो जो आउंदा सानू असी देना चाहुंदे आ बच्चियां नू ते मैं भी यही सारे बच्चियां नू कहना कि प्लीज़ साडे नाल कॉन्टैक्ट करो तुसी ते जरूर चढ़दी कला च रह के अच्छी जिंदगी जीउणी है कभी भी किसी मुकाम ते नहीं सोचना कि रोना तो है ही नहीं बस ठीक है प्रोग्राम हो रहा है इको स्टेज ते कठे हो रहे हो इको जगह कठे हो रहे हो इदा हुण मिलदे रहोगे जसविंदर मैम जी थोड़ी देर पहला कह रहे थे कि मतलब बच्चा ने मेरा गाना प्रिपेयर नहीं किया एक्चुअली मैं ग्रैंड फिनाले लिए बीट भंगड़ा मैं मैम का किया होया सी पर चलो जिवें माता रानी की मर्जी लालच जिया दिता उन्हें कि मैनू ग्रैंड फिनाले च लै जाओ मैं मैम तुहाडा गाना गाऊंगी देख लो प्लीज पहले गा देना सी शायद अगे निकल जांदी मैं वो भंगड़े च रख्या होया सी अपना बेस्ट हमेशा कोई नहीं असीं फिर भी सुनांगे तेरे कोल बात हांजी हांजी मैम ठीक है जुगनी जी हांजी खुश हो बिल्कुल बिल्कुल बहुत वधिया तैयारी करनी है अगली बारी जीत के जाना है ठीक है एक बार जुगनी वास्ते जोरदार तालियां मार दियो सारे जने थैंक यू जुगनी थैंक यू सो मच सो एपीसोड खत्म हो गया जी सेमीफाइनल बचे ने साडे कोल साडे पांच फाइनलिस्ट एक बार जोरदार तालियां पंजा वास्ते थानू मिलांगे जी अगले एपीसोड दे विच लैके अपना ग्रैंड फिनाले तद तक वेखदे रहो MH1 और खुश रहो हसदे रहो वसदे रहो परमात्मा थानू सारियां नू खुशहालियां देवे सत श्री अकाल दिव्या जी भैन जी इधर आओ गोडी हाथ ला के आते इन्होंने लाने नहीं पिछलिया ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੇ ਬੈਠੇ ਇਧਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਕਿਆਂ ਦੇ ਬਿਠਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟ ਪਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਆ ਡਾਂਸ ਮਤਲਬ ਛੋਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੈਕਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ